जनपद संभल के चंदौसी विधानसभा से मोनी कुमारी ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर टिकट के लिए आवेदन किया। आज 31 विधानसभा क्षेत्र चंदौसी के समस्त सम्मानित समाजवादी कार्यकर्ताओं, नेताओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवानों, भाइयों के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखनऊ में 31 विधानसभा क्षेत्र चंदौसी के लिए आवेदन किया। सभी सम्मानित चंदौसी विधानसभा क्षेत्र वासियों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे। संभल जिले के सपा के जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी, जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव, बहजोई ब्लॉक प्रमुख संजीव यादव, गुल्लू यादव तथा संभल जिले के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राहिल व एडवोकेट अशोक राणा मौजूद रहे। इस विषय में सपा की युवा नेत्री मोनी कुमारी ने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा मुझे टिकट दिया गया तो मैं चंदौसी विधानसभा को प्रदेश में नंबर एक विधानसभा बनाने की कोशिश करूंगी। वहीं उनके पति तरीक मोहम्मद ने कहा कि हमने पार्टी की नीतियों को गांव-गांव पहुंचाने के लिए काफी कोशिश की और यदि हमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया तो हम जनता की सेवा करेंगे। आज चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से मोनी कुमारी जी ने नकलो पार्टी कार्यालय पर आवेदन किया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चंदौसी विधानसभा में हमने गांव गांव जाकर इतनी मेहनत करी है, पार्टी के जो निर्णय आते थे उस पर हमने काम किया है, गांव गांव में जाकर पार्टी को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। पार्टी की जो नीतियाँ थी वो हम गाँव गाँव जाकर बताते हैं। हमने इसीलिए मोनी कुमारी जी का आवेदन लखनऊ पार्टी कार्यालय में करवाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अगर मोनी कुमारी जी को सेवा का मौका देते हैं तो हम जनता की सेवा करने का काम करेंगे। चंदौसी विधानसभा में जो दलाली भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं टाइम पे आती, वो हम ये सारा कोई दूर करने का काम करेंगे। कार्यकर्ता का सम्मान होगा समाजवादी पार्टी में, ये हम पूरा भरोसा दिलाते हैं। कुमारी जी, आपने जो आज नकलो पार्टी कार्यालय पर आवेदन किया है चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं गांव-गांव जाकर के जो जनसंपर्क किया है मैंने, अपनी माता बहनों का, बुजुर्गों का, युवाओं का आशीर्वाद से आज मैंने नकलो पार्टी कार्यालय में आवेदन किया है। अगर मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सेवा का मौका देते हैं जनता में करने का तो मैं जनता की सेवा करूंगी और चंदौसी विधानसभा को नंबर वन करने का प्रयास करूंगी।